हेलो गाइस, दिस इज शैलेंद्र पांडे एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ फिजिक्स. इन यस्टरडे क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट एरर, कि अगर हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कितना एरर अलाउड होता है, कितना परमिसिबल एरर होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. जाते जाते सबसे लास्ट जो बात मैंने आपसे किया था वो ये था कि अगर कोई क्वांटिटी इस तरह की है जिसमें मेजरमेंट इज लाइक ए टू दी पावर एन, अगर उसकी पावर में मेजरमेंट है तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए. तो मैंने आपसे कहा था इसका आप लॉग ले लीजिए, और फॉर्चुनेटली आज की ही क्लास में आप लोगों को मैथमेटिक्स में लॉग पढ़ाया गया है, तो मेरा एक काम घट गया, वरना मुझे आज पहले आपको लॉग पढ़ाना पड़ता बेसिक मैथमेटिक्स में. तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं. अब अगर इस स्टेटमेंट में हम लोग एरर को भी कंसीडर करें तो वी कैन राइट हियर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स दैट विल बी इक्वल टू एरर इन ए टू द पावर एन. ए में जो एरर होगा अगर उसको आप लिखते हो तो दैट विल बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए टू द पावर एन, करेक्ट है. ऐसे स्टेटमेंट से हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं ए की पावर एन वाला जो टर्म है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए. तो आप क्या करेंगे, आप यहां से अगर अंदर से आप a कॉमन करते हो तो बाहर a टू दी पावर n कॉमन आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस डेल्टा a बाई a की पावर n. सब लोग को बात समझ में आ रही है. अभी क्या हम लोग इस x को इससे a की पावर n से कैंसिल कर सकते हैं, बताइए जल्दी से. कितने लोग नए हैं आज की क्लास में, आप? अच्छा, पुराने. जो लोग नए हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2-3 क्लासेस आप लोग की और हुई हैं फिजिक्स में, उसको देख लीजिएगा. कोई भी डाउट आता है तो आप लोग यहां पर अलग से हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. यहां पर क्या है, हम लोग एरर की बात कर रहे थे और एरर को कंसीडर करके हम बस ये निकालना चाहते हैं कि अगर कोई भी मेजरमेंट बेटा हम लोगों ने इस तरह का किया हुआ है तो इस तरह के मेजरमेंट में कितना एरर अलाउड होता है फिजिक्स में, ठीक. तो यहां पर देखिए, ए की पावर एन आपने कॉमन लिया, इस तरीके से आपने लिखा, और ये जो फॉर्म लिखा हुआ है दिस इज लाइक 1 प्लस एक्स टू द पावर एन. मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन है और ये एक्स वेरी मच लेस देन 1 है तो वी कैन राइट इट लाइक 1 प्लस एन एक्स. तो वही काम हम लोग बेटे यहां पे कर रहे हैं. वी विल राइट हियर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स दैट विल बी इक्वल टू ए टू द पावर एन 1 प्लस एन डेल्टा ए बाई ए. अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, अगर a की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सबसे पहला टर्म आपको क्या मिलेगा, a की पावर n. सो वी कैन कैंसिल दैट, कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा x, इधर क्या बचा, a की पावर n और ये सब चीजें, ठीक. a की पावर n को आप नीचे ले आइए, ए की पावर एन क्या है, एक्स है, तो क्या इसको हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज, ये तो नीचे आ गया, एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए. ये प्लस माइनस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, यहां पर भी हम लोग प्लस माइनस लिखेंगे, इज इट करेक्ट. और यही चीज मैंने आप लोग को उस समय भी लिखवाई थी कि अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट है तो उसके लिए एरर का स्टेटमेंट अगर हमें लिखना होगा तो वो हमेशा फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में होता है. प्रीवियस क्लास का सबसे आखिरी टॉपिक आप उठा के देखिए, आपको मैंने इसके लिए डायरेक्टली लिखवाया था, डेल्टा एक्स बाई एक्स कैन बी रिटन इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, सही है. तो वही चीज हम लोगों ने यहां पे डिराइव भी कर लिया है. आप सबको पता है कि हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं मैक्सिमम एरर में, कि सर अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो सर इसमें मैक्सिमम कितना एरर हम कर सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर. तो मैक्सिमम एरर के लिए मैंने बार बार आपको बात बताई, साइन कौन सा लेंगे,
पॉजिटिव वाला, जैसे ही पॉजिटिव लेंगे डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। हटा दूं, इसी तरीके से अगर एक कोई जनरल क्वांटिटी आपको दे दी गई, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r, कुछ इस तरीके से, अगर ऐसी क्वांटिटी के लिए एरर का स्टेटमेंट लिखने को आए तो फिर से चेक करिए क्या ये प्रोडक्ट में है सब, दिस इंटू दिस इंटू दिस, वैसे तो डिवीजन में दिख रहा होगा लेकिन इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर में निगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो अगर इसके लिए एरर का स्टेटमेंट लिखना है तो दैट विल बी डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू ए के लिए क्या लिखेंगे, पी टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, बी के लिए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, ये ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस आएगा, सो वी कैन राइट हियर माइनस आर टाइम्स डेल्टा सी बाई सी, इज इट करेक्ट। और हम लोग इंटरेस्टेड किस चीज में होते हैं भाई, मैक्सिमम परमिसिबल एरर में, तो अगर मैक्सिमम की बात है तो साइन कौन सा लिया जाएगा, लिख डालिए। इसी से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई परसेंटेज एरर बताओ तो आप क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 100, सीधे सीधे आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। अब आते हैं एरर के कुछ क्वेश्चंस पर, इजी से लेकर टफ तक हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। हटा दिया जाए, सबसे पहला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा, आपसे कहा जा रहा है दो रजिस्टर्स हैं, पहले रजिस्टर की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम, दूसरे रजिस्टर की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 ओम। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लास 10th में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि अगर दो रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, वेरी सिंपल, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो वी कैन राइट हियर 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस R2 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 ओम, ऐड करेंगे तो 100 और 200 तो एक साथ ऐड हो जाएगा और जो एरर वाले टर्म्स हैं वो एक साथ ऐड हो जाएंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 300 प्लस माइनस 7 ओम। इसका मतलब कि अगर आपने पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो वेरिएशन शो किया है वो 97 से 103 तक है, मतलब पहले रेजिस्टर को जब आप उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे तो वो वैल्यू आप कहां से कहां तक मेजर कर सकते हैं, 97 से 103 तक, दूसरे में 196 से 204 तक, तो जो फाइनल आंसर में जो अप्रोक्सीमेशन है हमारे पास वो कहां से कहां तक होगा, 293 से 307 तक। अच्छा कोई बताएगा रेजिस्टेंस को मेजर किस डिवाइस से करते हैं, रेजिस्टेंस को किस डिवाइस से या किसके थ्रू कैसे आप मेजर करोगे, नो आइडिया, वीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया गया होगा,
पढ़ाया गया भाई? नहीं? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 ऐसा कुछ? चलिए मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 की कंडीशन मैक्सिमम बच्चों को यहां पता है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको इसका आइडिया है, जो लोग अभी नहीं हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। इन डेप्थ में हम लोग इसकी बात आगे करेंगे। तो फिलहाल वहां पर बेटा क्या होता है, चार रजिस्टर्स हैं, चार में से दो रजिस्टेंसेज नोन रजिस्टेंसेज होते हैं, एक अननोन होता है जिसकी वैल्यू निकालनी है, और जो तीसरा रजिस्टर होता है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसको आप रियोस्टेट का नाम भी दे सकते हो, वेरिएबल रजिस्टेंस। तो उसकी बात कभी करेंगे। फिलहाल जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो एरर वाला, उसके थ्रू अगर इस तरह का एक छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जाए तो कर पाएंगे, सिंपल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइएगा, कई सारे क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर उसका जो है वो 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। What is the rise in temperature of water? Water का initial temperature पता है, water का final temperature पता है, हमसे कह रहा है कि कितना rise हुआ। तो बहुत simple सी चीज है, आप कहेंगे सर डेल्टा T निकालना है, final minus initial, 40 ± 0.3 − 18 ± 0.5। बताइए आंसर क्या आएगा, 40 − 18 − 22 ± 0.3 2 8। कितने लोग 0.8 बोल रहे हैं, कितने लोग 0.2 बोल रहे हैं, माइनस का 0.2 कितने लोग बोल रहे हैं, यहां पर बेटे जब भी कभी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हो इसका मतलब, इसका जरा सेंस समझिए, हमको न्यूमेरिकली इसको घटाना नहीं होता है। आपने पहली क्वांटिटी में गलती की है, बोलो भाई, पहली क्वांटिटी में आपने गलती की है, इसको नापने में गलती किया, इसको भी नापने में गलती किया, तो गलती बढ़ गई ना, बोलो भाई। एरर जो होगा वो हमेशा ऐड किया जाएगा, क्वांटिटी को भले सबट्रैक्ट किया जा रहा हो तो आप 40 में से 18 तो घटा देंगे, लेकिन एरर वाले जो टर्म्स होंगे इनको हमेशा ऐड किया जाएगा, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो। एडिशन वाले में तो सबको समझ में आ ही गया था ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन वाले में भी एरर को आप ऐड करोगे क्योंकि आपने दोनों क्वांटिटीज को मेजर करने में गलती की है। इस बारे में मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में भी बात किया था कि अगर आपने केवल एक चीज को मेजर करने में गलती की है और दूसरे बच्चे ने दोनों में गलती की है तो ज्यादा गलती किसने किया, जिसने दोनों में एरर किया है। तो एरर जो होगा वो हमेशा ऐड किया जाएगा, क्लियर एकदम, लिख डालिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस से ही देखिएगा अभी आप किसी बड़े क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगेन बहुत सिंपल सा है, रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये सबको पता होगा, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आप बोलते हैं, उसकी वैल्यू है 100 ± 5 वोल्ट और जो करंट है उसकी वैल्यू है 10 ± 0.2 एम्पियर। आपसे कहा जा रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, तो ऑब्वियस है यहां पे क्या करना पड़ेगा हमको, डिवीजन करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, वैल्यू बताइए, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू,
इस स्टेटमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा वी बाई वी माइनस डेल्टा आई अपॉन आई। माइनस सबको समझ में आ रहा है क्यों हुआ है, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड किसमें होते हैं हमेशा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर में, इसलिए साइन कौन सा लिया जाएगा, प्लस वाला। सारी वैल्यूज उठा के रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। वोल्टेज में एरर है 5/100 प्लस 0.2/10, दैट इज डेल्टा आर अपॉन आर। इसी में अगर आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर बताइए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। जैसे ही मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेक करिए ये कितने परसेंट बना, 5%, और ये कितना बना, 20/10 यानी कि 2। तो ओवरऑल परसेंटेज एरर कितना हो गया, परसेंटेज एरर अगर निकाला जाएगा तो दैट विल बी 7%। कोई डाउट किसी को, सिंपल सा क्वेश्चन है, हटा दिया जाए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखिए, आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज 2%, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज 3%। मास में 2% का एरर है, स्पीड में 3% का एरर है। आपसे कह रहे हैं हाउ मच विल बी मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर ये दोनों पता है तो काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम एरर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कोई आंसर बता सकता है जल्दी से, कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में एरर, 11%। 11 कैसे होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv². इसके लिए अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा के बाई के, हाँ डेल्टा m बाई m, 2 times डेल्टा v बाई v। लेकिन हम लोग को एरर कौन सा दिया है, परसेंट एरर दिया है, सो वी विल मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 100। इसकी वैल्यू बहुत सिंपली 2% प्लस 2 times, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3%, सो वी हैव 6+2 8%। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चंस में गलती करना गलती की श्रेणी में नहीं आता है, किस श्रेणी में आता है, पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे क्वेश्चंस भी गलत हो जाए तो फिर क्या मतलब है कि नहीं। तो इन क्वेश्चंस को जब भी कभी कोई क्वेश्चन इजी दिखाई पड़े यार ये तो बड़ा सिंपल आ गया इस बार, 2 बार और क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें हो सकता है कुछ घुमाया गया हो। और ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी खुशी के साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को और ज्यादा ध्यान से करना चाहिए कि इजी आया है तो इसको तो गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था पेपर में से आपका टारगेट क्या है, सबसे प्राइम टारगेट क्या है, पेपर में से सबसे इजी क्वेश्चंस को छांटना है सबसे पहला काम। इस चीज में अगर आप स्ट्रांग हो गए तो आप सबसे पहले पेपर में से इजी इजी छांट करके कर लेंगे, तो कम से कम कट ऑफ पार करने भर का तो नंबर आपका श्योर हो गया। उसके बाद बात आती है रैंक की,
तो रैंक के लिए मीडियम वाले क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन सबसे आखिरी में कौन से करने चाहिए? टफ वाले, ठीक। जेई के पेपर में अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर मैं 360 में से 360 लाऊंगा, तो सारे करो। लेकिन अगर आपको यह बात पता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस पेपर में छोड़ने के लिए ही आ रहे हैं। अगर उसमें जूझ गए तो दो चार और गलत करोगे। बात समझ में आई? तो हमें पेपर में से क्या करना होता है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन फिल्टर आउट करने होते हैं। इजी क्वेश्चन को बहुत सावधानी के साथ करना है कि वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैं आपको जेई एडवांस का क्वेश्चन आज ही करवाऊंगा इसी टॉपिक पर बेस्ड, देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस यही होता है एग्जाम प्रेशर में जब हम लोग रहते हैं तो लगता है अरे जेई एडवांस में इतना आसान कैसे आ जाएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, तो इस प्रेशर में गलत कर देते हैं। देखिएगा अभी थोड़ी देर में वो क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा है। फिलहाल ये देखिए जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको जेई में पूछा गया। कहा जा रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्या वो ये फॉर्मूला होता है T=2π√LYg, इसका मैंने डेरिवेशन भी करवा दिया था आपको डायमेंशनल वाले मेथड से। आपसे कहा जा रहा है मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और उसकी एक्यूरेसी कितनी है 1 mm है। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, 100 ऑसिलेशंस का टाइम जो है वो है 90 सेकेंड। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। ये जो रिस्ट वॉच होती है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा, ये जो घड़ी हम लोग पहनते हैं इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 1 सेकेंड। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि इस डिवाइस से सबसे कम समय आप कितना नाप सकते हैं, 1 सेकेंड। इसका मतलब यहां पर भाई जो इसका एक्यूरेसी के लिए जो आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ है वो लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, ये क्वेश्चन है। What is accuracy in determination of G? तो इस एक्सपेरिमेंट को करके वो लोग G की वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो G की वैल्यू बेटे अगर आप यहां से निकालोगे तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4π² L/G। तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4π² L/T² और अगर मैं एरर की बात कर रहा हूं, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एरर वाला स्टेटमेंट बोलो लिखना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट भाई कितना होता है, डेल्टा G/G बराबर ये बताओ 4π² 4π² में क्या कोई एरर हो सकता है? पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 3.14। अगर आप 22/7 लिख रहे हैं और आपको वैल्यू कांस्टेंट पता है तो इसमें कोई एरर होने की संभावना नहीं है। एरर किस में हो सकता है, लेंथ में, तो डेल्टा L/L, और किस में हो सकता है टी में, तो -2 times delta T/T। लेकिन हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड मैक्सिमम एरर में होते हैं, इसलिए वी विल कंसीडर पॉजिटिव साइन। अब देखिए ध्यान से,
आपको यही निकालना है कि व्हाट इज एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, जी में कितनी एक्यूरेसी है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। तो एक एक करके हम लोग सारी वैल्यू रख दें इसमें। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है बेटा, लेंथ में 1 mm एक्यूरेसी होने का मतलब क्या है कि अगर लेंथ में गलती होगी तो वो 1 mm से ज्यादा अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर डेल्टा एल की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं तो दैट कैन बी रिटन एज 1 × 10⁻³। तो ये तो आ गई है लेंथ की बात। एल की वैल्यू कितनी है, 20 cm, तो 20 cm को मीटर में बेटा बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे, 20 × 10⁻²⁺ + 2 × डेल्टा टी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी हियर, 1 सेकेंड, व्हाट अबाउट टी, टी कितना होगा, 100 ऑसिलेशंस का टाइम 90 सेकेंड है, 100 ऑसिलेशंस का। देखो अगर आपने सीधे सीधे बिना ज्यादा दिमाग लगाए सीधे सीधे अगर आपने ये लिख दिया कि सर डेल्टा टी की वैल्यू 1 है और टाइम जो हमने सर नापा है वो 90 सेकेंड है, तब तो काम सही है, बाय चांस आपने दिमाग नहीं लगाया ज्यादा। लेकिन अगर आपके मन में जिज्ञासा उठी कि यार ITJEE का क्वेश्चन है, कुछ तो नया होगा, कुछ तो खास होगा, थोड़ा दिमाग लगा दें, आप कहोगे सर 100 ऑसिलेशन का टाइम है 90 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का कितना होगा भाई, 90/100 मतलब 0.9 सेकेंड। एक बार सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेट करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 0.9 सेकेंड, तो क्या उसमें 1 सेकेंड का एरर अलाउड होगा। जो चीज मेजर ही हम 0.9 सेकेंड कर रहे हैं, क्या उसमें 1 सेकेंड का एरर अलाउड होगा, बताइए, खुद बताइए। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में क्या बताया, एरर की वैल्यू हमेशा बहुत 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 छोटी होती है। तो अगर अगर आपने ये गलती किया कि सर यहां पे 1 रखिए और यहां पर आप 0.9 रखिए, अगर ये गलती आपने कर दी तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही चाहते हैं, इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। आप कहिए कि सर 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना लगा, 90 सेकेंड, उल्टा लिखते 90 सेकेंड का टाइम कितने ऑसिलेशंस के लिए है, 100 के लिए, ठीक। तो 90 सेकेंड में जो एरर अलाउड है वो कितना है, 1 सेकेंड का। भाई 90 सेकेंड में एरर कितना अलाउड है, 1 सेकेंड का। तो आप कह सकते हो सर 0.9 सेकेंड में कितना एरर अलाउड होगा, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 1/90 × 0.,  ये मैं क्या निकाल रहा हूं, बात समझ में आ रही है आपको, ये मैं एरर निकाल रहा हूं कि भाई 90 सेकेंड्स में अगर 1 सेकेंड का एरर अलाउड है तो 0.9 सेकेंड में कितना एरर अलाउड होगा। तो पता चला 1/90 × this, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0. इसका मतलब कुछ समझ में आया आपको। जो रिस्ट वॉच है, जरा ये बताओ रिस्ट वॉच से अगर आप टाइम देख रहे हो तो क्या 1 ऑसिलेशन का टाइम देख लोगे, 1 ऑसिलेशन का बेटे टाइम पीरियड कितना है यहां पे, 0.9 सेकेंड, चेक करो 0.9 सेकेंड। इस घड़ी से क्या 0.9 सेकेंड मेजर किया जा सकता है, नहीं।
यही मजबूरी थी जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई ऐसा करो 100 बार ऑसिलेशन होने दो ऐसे ऐसे और उसका पूरा टाइम नाप लो। तो पता चला 100 बार ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 90 सेकेंड्स। तो इससे हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं और एक ऑसिलेशन में, एक टाइम पीरियड में होने वाले एरर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कैलकुलेट ये कर रहे हो तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.9 तब रखना। कुछ समझ में आ रहा है? फिलहाल ये जो आपने किया है ये बिल्कुल सही है, इसको सिंप्लीफाई करिए और आप मुझे बताइए डेल्टा जी बाई जी परसेंट एरर में निकाल देते हैं तो डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप पूरे में मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.5 प्लस 2.22, तो ये वैल्यू हो गई 2.72%। कुछ बात समझ में आई आपको? इस क्वेश्चन में कहा गया, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि टाइम पीरियड को सिंपल पेंडुलम यूज करके हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जी का फार्मूला बेटा ये आया, इसमें एरर का हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा तो डेल्टा जी बाई जी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम डेल्टा टी बाई टी। जो कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है वो यहां पर आता है कि सर डेल्टा टी का मतलब हुआ एरर इन टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कौन सी वॉच यूज की गई है, रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच में एरर कितने का हो सकता है, 1 सेकेंड का। तो डेल्टा टी तो क्लियर हो गया कि सर 1 सेकेंड रखना है, बिल्कुल अच्छी बात है। कंफ्यूजन आता है टी में, टी क्या है, टाइम पीरियड। तो नॉर्मली अगर आप सोचोगे तो टाइम पीरियड बेटा कितना होता है, एक ऑसिलेशन में लगा हुआ टाइम। तो एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लग रहा है, 100 ऑसिलेशंस में 90 सेकेंड, तो एक में 0.9 सेकेंड। तो अगर आपने यहां 0.9 रख दिया तो वही क्वेश्चन गलत हो गया। गलती समझ में आ रही है? ये जो आपने 1 सेकेंड का डेल्टा टी रखा है, 1 सेकेंड का एरर कितने टाइम में अलाउड है, 90 सेकेंड्स में अलाउड है। अगर आप 0.9 सेकेंड की बात करना चाहते हैं तो आप ये वाली बात करिए, क्लियर। और अगर आपने ये वाला काम किया है तो अब आप इसकी जगह लिख सकते हो कि भाई एरर कितने का अलाउड है, 0.01 का। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 0.9। क्या बात समझ में आ रही है? जरा चेक करो ये और ये है एक ही चीज, चेक कर लीजिए। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? जरा भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए, लिख डालिए जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। तो 2.72% का एरर इसमें होगा। आगे बढ़े, क्या बेटा, टू हंड्रेड? अच्छा ये वाला 100 ना। तो बेटा ये ब्रैकेट लगाया, देखिए ये ब्रैकेट लगाया है इनटू 100, मतलब इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई और यहां जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही ना? परसेंटेज एरर निकालना है तो सब में 100 मल्टीप्लाई करना है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। इसी कॉन्सेप्ट पर, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में भी आया हुआ है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए एडवांस में भी आया हुआ है। मैं आपके सामने क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, ये आपका आईटीजेई 2010 के पेपर में
एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया अ स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली। अब देखो भाई क्वेश्चन में लैंग्वेज भी मैं लिख रहा हूं थोड़ी सी, एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ है। टू डिटरमाइन जी ही यूजेज स्टॉप वॉच विद लीस्ट काउंट ऑफ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, और इस बार उसने कौन सी वॉच यूज की है, स्टॉप वॉच, लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, एंड रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑसिलेशंस। 20 ऑसिलेशंस का टाइम कितना लिखा उसने, 40 सेकेंड। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब ये मल्टीपल चॉइस आंसर है, 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक या एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस भी आया करते थे। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है डेल्टा टी की वैल्यू 0.05 सेकेंड है, एरर इन टी। दूसरा है डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है। सी पार्ट में कह रहे हैं परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी मतलब डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये वैल्यू आपसे दे रहे हैं 5%, और यही वैल्यू डी वाले में दी गई है 2.5%। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, कहा गया स्मॉल जी की वैल्यू हमें निकालनी है यूजिंग सिंपल पेंडुलम। ठीक, सिंपल पेंडुलम यूज करके स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है। लेंथ की वैल्यू एग्जैक्टली 1 मीटर है। टाइम पीरियड जो यूज किया जा रहा है स्टॉप वॉच, उसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड, और 40 सेकेंड का टाइम लगा है 20 ऑसिलेशंस में। तो आपसे कह रहे हैं डेल्टा टी कितना होगा, मतलब एरर इन टाइम कितना हो सकता है, और जी क्या, जी में परसेंटेज एरर कितना हो सकता है, 2.5% या 5%, ऐसा 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। जल्दी से सॉल्व करिए। टी बराबर 2π अंडर रूट एल बाई जी, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² एल बाई जी। जी की वैल्यू आ गई आपके पास 4π² एल बाई टी स्क्वायर, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसके लिए बेटे अगर मैं लिखूंगा तो डेल्टा जी बाई जी बराबर क्या होना चाहिए, इस बार फोर पाई तो कांस्टेंट में गया, एल भी इस बार क्वेश्चन में बोला गया कि लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर है। कुछ समझ में आ रही बात, अगर लेंथ बोल दी गई एग्जैक्टली 1 मीटर है तो क्या इसमें कोई एरर हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो यार सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर होगा। तो इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था कि लेंथ में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिखिए 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। क्लियर है बेटा, ठीक। तो बहुत सिंपली वी कैन राइट हियर डेल्टा टी की वैल्यू बताइए, डेल्टा टी बताइए 1 सेकेंड। ऐसा होता तो फिर पूछते ही काहे, ये तो क्वेश्चन में दिया है। ये जो 1 सेकेंड का एरर है कितने टाइम में है, 40 सेकेंड में। मजबूरी क्या है हमारी, हम क्यों ऐसा बार बार कह रहे हैं कि 100 ऑसिलेशन में 90 सेकंड लगे, 20 ऑसिलेशन में 40 सेकंड लगे, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि बेटा एक ऑसिलेशन का टाइम हम मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? पिछले क्वेश्चन में 0.9 सेकंड था जो हम नॉर्मल वॉच से मेजर नहीं कर सकते।
इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हमेशा मेजर किया जाता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एरर इन टाइम, यूनिटरी में भाई वन नहीं होगा तो ऑब्वियस ऊपर ही वाला होगा, बात सही है। तो आप इसमें यूनिटरी मेथड लगाओ, आप कहो कि सर 40 सेकंड का जब टाइम था तो एरर में कितना है, 1 सेकंड। और ये बताओ 20 ऑसिलेशन में 40 सेकंड लगे तो एक ऑसिलेशन में, 20 में 40 सेकंड लगे तो एक में दो, कितना एरर अलाउड है। आ रही बात समझ में, दैट इज 1/20 और 1/20 मतलब कोई डाउट, पक्की बात है। उसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया, अब जी में परसेंटेज एरर बताना। अब देखो यार, जो बच्चा इसको टिक करेगा तो ऑब्वियस है नीचे वाला भी गलत करेगा, और जो ऊपर वाला इसको टिक करेगा तो नीचे वाला सही करेगा, सीधी बात है। आपको निकालना है परसेंटेज एरर, सो यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, सो इट इज वेरी सिंपल, 2 × डेल्टा टी की जगह बोलो क्या रखें, 1 रख दें, चलो वेरी गुड, और टी की जगह 1 लोगे तो 40 रखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर तुमने लिया है 0.05 तो उसकी जगह पर 2 रखोगे, फिलहाल 40 से काम चलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, 200/40 कितना आएगा, 5%। एनी डाउट, जरा सा भी डाउट हो पूछ लीजिए भाई, देख लो जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन 2015 का था, एडवांस में यही क्वेश्चन आया था 2010 में, ठीक, लिख डालिए, आगे बढ़ा जाए। हटा दूं, बहुत बढ़िया माहौल है यहां का, क्यों भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग को मुझे आंसर देना है। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x जो कि 4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, a²bq/c√d, इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी, ए बी सी और डी में परसेंटेज एरर ये है भाई, ए बी सी डी सब में परसेंटेज एरर हमको पता है, कहा जा रहा है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x, x में परसेंटेज एरर बताओ भाई, चलो ये आप ही लोगों को सॉल्व करना है, जो लोग वीडियो देखेंगे रिकॉर्डेड वो लोग भी वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत सिंपल सा है, नहीं अगर आता है तब आगे देखिए और आ जाता है तब भी आगे देखिए कि इसका आंसर क्या है, करो भाई जल्दी से करो, बहुत सिंपल है। कितना आया आंसर, फिफ्टीन पॉइंट फाइव, और कितने लोगों का 15.5 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस में गलती करने का मतलब पाप है, 15.5, अरे 0.21 समथिंग, थर्टीन पॉइंट, चलिए मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का ये भी क्वेश्चन गलत है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए। सबसे पहला पाप आपने किया, आपने बोला सर 0.27, 21, बेटा ये पाप है,
मतलब ये गलती नहीं है। क्यों भाई, इसमें एरर 1% का, इसमें 3% का, इसमें 2%, इसमें 4%, सब में तुमने 1% से ज्यादा ही गलती की है, और ओवरऑल गलती तुम 0.2% करोगे, 17.5%, दिस इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई बेटे? भाई सब में हमने 1% से ज्यादा ही गलती की है, तो ओवरऑल तो 1% से ज्यादा तो आना ही चाहिए, बोलो यार। ठीक, और मैंने क्या कहा था, गलतियां हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, ये क्वांटिटी चार चीजों पे डिपेंडेंट थी और तुमने चारों में गलती की है, तो गलती तो बढ़ेगी, एरर तो बढ़ेगा। ठीक, तो बहुत सिंपल सा यहां पे आप लिखते हो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर 2 times डेल्टा ए बाई ए, 3 times डेल्टा बी बाई बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 times डेल्टा, जिन लोगों का 15 आया है मेरे हिसाब से उन लोगों ने यहां माइनस लिखा है, यहां भी माइनस लिखा है, लेकिन हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड किस एरर में होते हैं, मैक्सिमम एरर। तो बेटा मैक्सिमम एरर में हमेशा साइन कौन सा, प्लस का। तो बहुत सिंपल है, 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे यार। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into this 2 into 4 This, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 1/2 का। कर लो सॉल्व यार, 8% 6%, तो 6 और 8 कितना हो गया, 14। ठीक, 14 और 3 कितना हो गया, 17। 17 और 0.5 कितना हो गया, 17.5%। एनी डाउट, क्लियर है? मैंने क्या कहा था, सिंपल क्वेश्चन है तो सावधानी से करिए, उसमें गलती की संभावना ज्यादा होती है ना। हटा दूं, चलिए एक ठीक ठाक क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटे 4 ± 0.5 ohm, दूसरा रेजिस्टेंस है 16 ± 0.5 ohm। आपसे कह रहे हैं कि अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हों, और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में होने वाला परसेंटेज एरर बताइए। Find out percentage error if they are connected in, पहले में क्या है, series, और दूसरे केस में कह रहे हैं if they are connected in parallel। Series वाला question तो बोलो मैंने सबसे starting में ही कराया था, आज की class का पहला question ऐसा ही था जिसमें आपसे कहा गया था series में है, तो यार जल्दी से बता दीजिए। अगर सीरीज की बात करेंगे बेटा तो वैल्यू क्या होगी, R बराबर R1 + R2, दैट विल बिकम 20 ± 1, इज इट करेक्ट? और परसेंटेज एरर की बात अगर करें तो 20 ± कितने परसेंट, 20 में 1 का एरर अलाउड है, तो ये परसेंटेज में कितना हुआ, 5%। एनी डाउट, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो देखिए 1/20 × 100, ऐसे तो निकालते हो यार, डेल्टा एक्स बटे एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो चेक कर लो 1/20 × 100, 5%। क्लियर एकदम? ये बहुत सिंपल चीज थी। अब आते हैं पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाता है तो बोलो स्टेटमेंट जो आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, दैट इज लाइक दिस, 1/R = 1/R1 + 1/I। तो सबसे पहले तो आप मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, R की वैल्यू कितनी आएगी बेटा,
सॉल्व करिए जल्दी से और मुझे R की वैल्यू बताइए। R की सबसे पहले आप मुझे वैल्यू बताइए। कितनी आई? 3.2 ओम। ये तो समझ में आ गया होगा। अरे भाई 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/16। एलसीएम ले लो, उल्टा करो, ऐसा आ जाएगा R1 R2 upon R1 plus R2। सिंप्लीफाई करो, 3.2 ओम करेक्ट है। व्हाट अबाउट एरर? ये तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, ये तो ये वाली चीज है, ठीक। एरर कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है? अगर स्टेटमेंट इस तरह का है तो एरर कैसे निकालते हैं? कैसे करोगे भाई? मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, डेल्टा एक्स का मतलब होता है एरर इन एक्स, और अगर यही एरर बहुत 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 छोटा हो जाए तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डीएक्स। डेल्टा और डी में डिफरेंस, ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से भी किसी एक ने पूछा था कि सर डेल्टा और डी में डिफरेंस क्या है, डेल्टा सर डी कैसे बन गया या डी डेल्टा कैसे बन गया, तो वो भी बहुत ध्यान से सुन लें। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक, चेंज इन एक्स। तो एक्स में जो चेंज होगा बेटा वो चेंज 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 मिलीमीटर का भी हो सकता है और 0.1 मिलीमीटर का भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर वही चेंज बहुत 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 छोटा हो जाए, इफ दैट इज टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा हो जाए कि लगभग जीरो होने वाला है, तब हम उसी को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और बोलो इस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ाया गया है या हम लोग का सबका मन यही होता है कि अगर हमने कोई मेजरमेंट किया है तो उस मेजरमेंट में गलती कम से कम होनी चाहिए, सबसे कम गलती होनी चाहिए उसमें। बोलो यार, बात सही है? इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन डीएक्स, हम तो चाहते ही हैं गलती सबसे कम हो, ठीक। तो यार इसी को आप डिफरेंशिएट करो, क्या करो? डिफरेंशिएट करो। 1/R का डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है कितना होगा? क्या बेटा? इंटीग्रेशन नहीं कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन। 1/R जो लिखा है, क्या इसको R^-1 लिखा जा सकता है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? अच्छा, आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है? कितने लोगों को आता है, जल्दी से हाथ ऊपर करिए। लगभग लगभग सबको आता है, ठीक। जिनको नहीं आता है उनको अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा, इनफैक्ट सभी को सिखाऊंगा, और डिफरेंशिएशन का और भी जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैथमेटिक्स में अभी तक शायद जो आपने पढ़ा होगा वो डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होगा, जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो वैल्यू क्या होती है? n x की पावर n माइनस 1। तो बेटा वही चीज यहां पे लगाओगे तो इट विल बिकम -R^-2, करेक्ट है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बिकम d^R^-1। वी कैन राइट इट लाइक -dr/r^2। चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं? इस वाले dr को इधर भेज दो यार, तो क्या बनेगा? -dr और ये पावर में -2, इसको नीचे भेजो, ऐसा बनेगा? तो ये स्टेटमेंट, इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो इट विल बिकम -dr/r^2। इसमें क्या बनेगा? -dr^1/r^2, और इसके लिए क्या बनेगा? -dr^2/
आर टू स्क्वायर। ये जो माइनस माइनस है, हर एक एक्सप्रेशन में माइनस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम प्लस। सो वी हैव दिस स्टेटमेंट डी आर इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस आर को इधर ले जा सकता हूं, सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर टाइम्स डी आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। इज इट करेक्ट? बात समझ में आ रही, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप क्लियर हो रहे हैं ना सबको? हम लोग को यार डी आर निकालना है। डी आर का मतलब होता है एरर इन आर, करेक्ट? यही तो निकालना था। आर की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, अब तो हमें बस आगे का लिखना है, प्लस माइनस क्या लिखें आगे, वही तो चाहिए, वही एरर होता है। तो एरर की वैल्यू निकालोगे तो बोलो आर की वैल्यू पता है अपने को 3.2 का स्क्वायर, डी आर वन कितना है बेटा, एरर इन आर वन कितना है 0.5 अपॉन आर वन स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डी आर टू कितना है 0.5, और उसमें भी जब स्क्वायर करेंगे तो 16 स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम 0.34। आप लोग का ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए ये कैलकुलेशन सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे आई होप, ठीक। 0.34 इसका मतलब बेटा, अगर इसको मैं लिख रहा हूं एरर के फॉर्म में तो हमें क्या लिखना चाहिए, प्लस माइनस 0.34 ओम, करेक्ट है? बोलो भाई। और अगर परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना है तो, परसेंटेज एरर के फॉर्म में चाहिए तो ये वाला काम, आप कहेंगे सर 0.34 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे। तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.2 प्लस माइनस, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10.625%, 10.625%। इतने में कोई डाउट किसी को? जल्दी से लिख डालिए, और अगर इस न्यूमेरिकल में जरा भी डाउट लग रहा हो तो अभी तुरंत पूछ लीजिए। लिख लिया सबने? क्लियर है एकदम? हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एरर में पढ़ाया है, पहली क्वांटिटी थी बेटा ए प्लस बी टाइप की, तो उसमें बोला गया था डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दूसरा था माइनस वाला ए माइनस बी, उसमें भी यही था। फिर प्रोडक्ट वाला पढ़ाया ए इंटू बी, तो उसमें फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में आ गया कि डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। डिवीजन वाले में भी यही आया। फिर पांचवी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी पावर वाला, जहां से आज की क्लास शुरुआत किया फिर से, कि अगर ए स्क्वायर लिखा है तो उसमें एरर का स्टेटमेंट क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। यही 5 स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पढ़ाए गए हैं, और ये जो लिखा था ये 5 में से किसी में भी नहीं आता है। बोलो यार, क्या जो मैंने 5 पढ़ाए उनमें से कोई एक है ये? नहीं, हमने तो आपको z बराबर a प्लस b पढ़ाया था, और ये तो 1 बाई z बराबर 1 बाई a प्लस 1 बाई b है। तो ये कुछ अलग फॉर्म था, इसलिए हम लोगों ने पूरा मेथड सीखा,
तो आप लोग भी समझ जाइए, अगर कोई ऐसा अलग तरह का फॉर्म आ रहा है तो हो सकता है वहां पर ये मेथड, डिफरेंशिएशन का ये मेथड आपके लिए अच्छा साबित हो। और डिफरेंशिएशन आप लोग इन डिटेल मैथ्स में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हटा दूं इसको, तो ये पैरेलल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और आपका एडवांस के लिए देखो भाई। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड बाय वेइंग फर्स्ट इन एयर। रिलेटिव डेंसिटी समझते हैं क्या होता है, क्या होता है बेटा, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट लॉस इन वाटर। किसी बॉडी का एयर में वेट ले लीजिए डिवाइडेड बाई वेट लॉस इन वाटर। उसी बॉडी को जब वाटर में हम डिप करते हैं तब वहां कितना लॉस हो रहा है, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी का, दैट इज वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस इन वाटर। ये फॉर्मूला कहां से आया, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, इसकी बात तो हम लोग फ्लूइड में करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया गया। तो फॉर्मूला मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया आपको सीधे सीधे। नॉर्मली रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर के लिए एक अलग टाइप का टेम्परेचर होता है। किसी को पता है ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करना शुरू करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। वाटर इज द ओनली लिक्विड, वाटर ऐसा लिक्विड है, इसमें स्पेशल ऐसी खासियत ऊपर वाले ने दी है कि जब इसको हीट किया जाता है तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में इसका वॉल्यूम घटता है, लेकिन 4 डिग्री के बाद लगातार वॉल्यूम बढ़ता है। इस सृष्टि को बनाया किसने? ऊपर वाले ने, ठीक, किसी सुपर पावर ने इसको बनाया। और सुपर पावर को जब जरूरत पड़ी होगी कि यार यहां तो अर्थ पे बहुत सारा वाटर प्रोवाइड कर दिया गया है क्योंकि इंसान को जीने के लिए वाटर चाहिए, तो आपको पता होगा अर्थ में 70% के आसपास वाटर है, हमारी अपनी बॉडी में भी 70% के आसपास वाटर होता है। हम लोग को जिंदा रहने के लिए वाटर की बहुत सख्त आवश्यकता है, सबको पता है ये बात, ठीक। तो ऊपर वाले ने क्या किया, अगर वाटर है तो एक्वेटिक एनिमल्स भी रहेंगे, मछलियां हैं उनको भी जिंदा रहना है, वो सब रहेंगी वाटर में ही। और अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक की बात करो, अर्थ का जो टॉप पोल है आर्कटिक, पता होगा सबको, वहां बर्फ जमा होता है ऊपर। अब यार अगर बर्फ जम जाएगा तो सारी मछलियां तो मर जाएंगी, इसलिए ऊपर वाले ने कहा कि नहीं वाटर को स्पेशल बनाओ, इसको कुछ, इसको ऐसा आशीर्वाद दो कि वाटर के पास कुछ खासियत आ जाए। तो खासियत ये आ गई कि जब टेम्परेचर की वैल्यू घटती जाती है, टेम्परेचर जब घट, भाई आर्कटिक अंटार्कटिक में टेम्परेचर माइनस में होता है बोलो, तो जब बेटा टेम्परेचर घटेगा तो सबसे पहले वाटर जो टॉप लेयर पे होगा वो फ्रीज होएगा और जो मछलियां वगैरह होंगी सब अंदर चली जाएंगी, ठीक। अंदर का वाटर कभी भी फ्रीज नहीं होता। आप सबने एक मूवी देखी होगी एंटरटेनमेंट, शायद देखी है, एंटरटेनमेंट देखी है, उसमें एक सीन था यार, मूवीज में से भी कुछ काम का निकाला करो। उसमें एक सीन था जिसमें वो कुत्ता जाता है और बर्फ के नीचे दब जाता है, देखा किसी ने? इसका मतलब क्या हुआ, जहां बर्फ भी जमी होती है वहां ऊपर जमी होती है लेकिन नीचे क्या है, पानी है। वो क्यों है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी, भाई देखो वाटर के लिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो उसका वॉल्यूम ऐसा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम, इधर की तरफ हमने क्या रखा है
टेम्परेचर, और इधर की तरफ क्या रखा है, वॉल्यूम। जीरो से चार डिग्री में वॉल्यूम घटेगा, इसके बाद वॉल्यूम बढ़ेगा। तो चार डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वॉल्यूम बोलो मिनिमम होता है, सही है। वॉल्यूम मिनिमम होने का मतलब डेंसिटी मैक्सिमम। डेंसिटी की वैल्यू बेटे क्या होती है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो वहां पर डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ऊपर भले फ्रीज हो जाए लेकिन नीचे वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए जो मछली अगर ऊपर रहेगी तो भाई जम जाएगी, इसलिए मछली नीचे चली आती है और वहां पर भी एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल होती है। क्लियर? तो फिलहाल उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है, वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस इन वाटर। क्वेश्चन में कहा गया आपसे इफ वेट इन एयर, वेट इन एयर की वैल्यू आपको दिया गया है 5 ± 0.05 न्यूटन। एयर में वेट इतना है, ठीक, और आपसे कहा गया वेट इन वाटर, वाटर में जो वेट है, वेट इन वाटर इसकी वैल्यू आपको बेटा दी गई है 4 ± 0.05। जब हवा में है तब वेट है 5 ± 0.05, और जब वाटर में डाला गया तब वेट कितना हो गया 4 ± 0.05। तो आपसे कहा गया फाइंड रिलेटिव डेंसिटी अलोंग विद मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर। रिलेटिव डेंसिटी बताओ और यह भी बताओ कि मैक्सिमम एरर कितना होगा। तो भाई फार्मूला आपके सामने है, वेट इन एयर मैंने रख दिया, व्हाट इज लॉस बताओ, वेट लॉस वाटर में कितना हो रहा है, 1 का। अरे यार दिस माइनस दिस, एयर में वेट 5 था वाटर में 4 हो गया, तो लॉस कितना हुआ भाई। सो यू विल से कि सर लॉस की अगर बात करनी है तो 1 ± 1। दो चीजों को जब सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो एरर की वैल्यू ऐड होती है। कराया ना आज मैंने ऐसा क्वेश्चन, तो 0.05 इसका, 0.05 इसका, दोनों ऐड होगा। पक्की बात है बेटा? ठीक, तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि जो रिलेटिव डेंसिटी है ये कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। न्यूटन न्यूटन कट गया, बात तो सही है, यहां पे दो चीजों का डिवाइड करना था, डिवाइड भी कर दिया गया, लेकिन आपसे कह रहे हैं इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखो, बताओ वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करो। परसेंटेज एरर में इसको हम क्या लिखेंगे, ये डिवीजन है 5 और 1 का, तो बोलो ये वैल्यू तो आ जाएगी 5 ± एरर। ठीक भैया, इसमें भी एरर है इसमें भी एरर है, तो एरर की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी बेटा, 0.05 / 5 × 100 परसेंट में निकाल लें तो, ठीक, 0.1 / 1 × 100। बोलो यार मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने डिवाइड कर दिया, फिर हमने ये देखा कि भाई टोटल एरर कितना है, दो चीज पे डिपेंड कर रहा था, हमने कुछ गलती इसमें की है कुछ गलती इसमें की है, तो ओवरऑल एरर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, तो बढ़ गई। इसमें एरर निकालो पहले परसेंटेज कितना एरर है, इसमें निकालो परसेंटेज कितना एरर है, और दोनों को ऐड करो। इज इट क्लियर? कोई डाउट? सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट विल बी 5 ± ये तो हो गया 1%
और वो भी आपका कितना हो गया 10%, 10/1, तो 10 ये, 1% ये 11%, क्लियर है? एरिया में अगर एरर पूछा जाएगा तो निकाल पाएंगे, जैसे अगर रेक्टेंगल की बात आपसे कर दिया जाए तो बहुत सिंपल है, आई थिंक रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, तो डेल्टा ए बाई ए बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी कर लेंगे, सिंपल है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कई सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? एरर वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब एक छोटी सी चीज इस चैप्टर में बस रह गई है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हटा दिया जाए। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने लिखा है किसी चीज की लेंथ है 15.4 सेंटीमीटर, इट मींस हम कंफर्म है कि ये 15 है, और अगर मैंने 0.4 लिखा है इसका मतलब इस वाले डिजिट में भी हम कंफर्म है, इसके आगे हमने नहीं लिखा इसका मतलब इसके आगे वाले के लिए हम कंफर्म नहीं है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इनमें से कितने डिजिट्स के लिए आप कंफर्म हैं। तो आप बताइए इनमें से कितने डिजिट के लिए हम कंफर्म हैं? 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 हो गए। बहुत सिंपल सी चीज है कि किसी भी मेजरमेंट में कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिसके लिए आप कंफर्म हो, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। तो इसमें कुछ एक दो रूल हैं, जल्दी से उन सारे रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लिखिए जल्दी से, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल आपको कुछ दिया था, अगर लिखा है 13.75 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4। इस तरह का नंबर ऑफ एग्जांपल्स बोलो दिए जा सकते हैं, ये आप लोग को अच्छे से पता है। इजी टॉपिक है इसलिए थोड़ा जल्दी से मैं बात कर रहा हूं। दूसरा है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। लिखिए ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 100.05 किलोमीटर, बताओ भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 5। मतलब दो नॉन जीरो के बीच में जीरो लगा है तो वो भी भैया सिग्निफिकेंट में कंसीडर किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट लिखिए, जैसे तीसरा पॉइंट मैं लिखा नहीं रहा हूं, आपको सीधे सीधे समझा दे रहा हूं। अगर लिखा हुआ है 86,400 सेकंड, अगर कोई यूनिट दी गई है इसका मतलब ये किसी मेजरमेंट से आया होगा। अगर कोई यूनिट लिखा है तो इसमें बाद वाला ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 5। लेकिन अगर केवल लिखा हुआ है 86,400 तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। बात समझ में आई? यूनिट लिखा है तो फिर सारे जीरोस सिग्निफिकेंट हैं, यूनिट नहीं लिखा है तो पीछे वाले जीरो से भी मतलब नहीं है। चौथा देखिए, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 86,400.0,
86,400.0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? सब 1, 2, 3, 4, 5 इस बार ये सारे कंसीडर किए जाएंगे। बात समझ में आया? मतलब जीरो भले लगा हो लेकिन अगर बाद में डेसिमल लग गया तो फिर वो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो रूल यही कहता है कि अगर डेसिमल लगा है तो ये सारे जीरोस भी हमारे सिग्निफिकेंट में कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए भाई? 5 सिग्निफिकेंट हो गए। पांचवा रूल, वन सिक्सटी वन सेंटीमीटर लिखा है, 161.0 सेंटीमीटर लिखा है, 161.00 सेंटीमीटर लिखा है। इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें हैं? इसमें। इसका रीजन मैंने आप लोगों को एरर की जब स्टार्टिंग किया था तो प्रिसीजन के बारे में बताया था। इसका मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट और इसमें 5 सिग्निफिकेंट। प्रिसीजन का मतलब होता है, प्रिसीजन डिपेंड करता है कि हमने किस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। छठवा पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, 0.161 लिखा है और 0.0161 लिखा है, दोनों में ही सिग्निफिकेंट कितने हैं? पहले वाले जीरो का इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद वाले का, लेकिन बाद वाले का है, पहले वाले का नहीं है, ठीक। बाकी सातवां पॉइंट आपका है, आखिरी पॉइंट है कि अगर आपने लिखा है 16.4 सेंटीमीटर और 0.164 मीटर, 0.000164 किलोमीटर, सेम चीज को देखो, 3 अलग अलग यूनिट्स में लिखा गया है, 16.4 सेंटीमीटर, इतने मीटर और इतने किलोमीटर। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो भी सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। कोई डाउट किसी को? तो इसके कुछ डेफिनेट रूल्स हैं, उन रूल्स के बेसिस पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके स्टार्टिंग में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर हमने किन्हीं क्वांटिटीज को ऐड किया है, सबट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कौन सा रूल चलता है। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस वीडियो का फीडबैक जरूर सबमिट करिएगा कमेंट के रूप में।